ओके नमस्ते सो एस सी सो पी जाते जाते भी अपना सरप्राइजेस देना नहीं छोड़ेगा आर टीपी नवेंटी आया आई एक्सपेक्टिंग के वही पुराने क्वेश्चन कुछ और सब्जेक्ट्स के देखे तो उनमें वही पुराने मॉड्यूल पास पेपर और वो वाले क्वेश्चन उन्होंने आर में डाले बट एस में उन्होंने चार नए क्वेश्चन एड किए यस सर आप डिस्कस करोगे हमारे साथ हंड्रेड एंड वन परसेंट करूंगा थोड़ा सा टाइम चाहिए तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं उस चीज के साथ सो इफ इफ यू कैन डाउनलोड दिस आर टी पी फ्रॉम आई सी ए आई यस फ्रॉम आईसीए बीओ एस नॉलेज पोर्टल तो आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही एक uh, नया क्वेश्चन है ऐसे और तीन क्वेश्चन है जो मैंने एक एनालिसिस किया है एंड दिस एनालिसिस आई विल वॉन्ट टू शेयर विद यू सर ये एनालिसिस हमारे को अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है गो क्लिक एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देर ठीक है उसके अलावा भी काफी सारी चीजें मैं काम कर रहा हूं एंड वी विल बी ब्रिंग इट ब्रिंग इट ऑन आर यूट्यूब चैनल थोड़ा बिजी भी चल रहा हूं मैं ए एफ एम का मेरा एक नया बैच चालू है सी ए इंटरकॉस्टिंग का नया बैच चालू है सो so,

So, एक लर्निंग का uh, क्वेश्चन है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, आज जो मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं दैट इज अ क्वेश्चन ऑन शेयरिंग अरेंजमेंट तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब आप अपने सप्लायर के साथ एक बिजनेस uh, रिलेशनशिप एसोसिएट कर रहे हैं इन सच अट आपके सप्लायर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इन योर बिजनेस बाई गिविंग यू माई इक्विटी स्टेक बट जब आप किसी को इक्विटी स्टेक देते हो तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट अलॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ इनोवेशन जो आपका सप्लायर लेकर आएगा कुछ न्यू आइडिया कुछ कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स जो आपका सप्लायर लेकर आएगा एंड दैट आइडिया कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स से जो भी बेनिफिट होगा दैट यू विल शेयर विद यायर एट वट एवर रेशियो जो आप डिसाइड करते हो सो दैट बेसिकली इन शॉर्ट इज योर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एंड इसी से रिलेटेड है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हार्डली टेन मिनट क्विकली अपन लोग डिस्कस कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन सो प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो या तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो या इंस्टीट्यूट के बी एस नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर लो एंड लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन सो ऐसे करके मैं चार क्वेश्चन है एक क्वेश्चन तो मैं अभी करवा दूंगा और आने वाले दो तीन दिन में मैं बाकी के क्वेश्चन भी करवा दूंगा प्लस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन जो है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा प्रैक्टिकल वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं आई एम श्योर यू आर यूटिलाइजिंग इट टू द बेस्ट मैनर पॉसिबल अब आ जाते हैं यहाँ पे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर सो so ये है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है if you read it properly and if you understand it properly how oh. hmm. the board of studies at cli country law institute has recently revamped one of its certification courses on law applicable to fintech transactions into law applicable to transactions in fintech especially the application of blockchain कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट है इसके जगह आपको लिखना है आप लिख दो आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेंट्स का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उन्होंने कुछ अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस किए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस आए हैं ठीक है so सो ये जो चेंजेस है उसके लिए नया मटेरियल ड्राफ्ट करना पड़ेगा सी को एंड वो मटेरियल का कॉस्टिंग यहां पे दिया हुआ है

अब ये जो नया कंटेंट बनने वाला है ये कौन बनाएगा एक नए ऑथर्स बनाएंगे और वो जो ऑथर्स बनाएंगे उसको ये लोग क्या देंगे रॉयल्टी कितना रॉयल्टी अब देखते हैं आगे कितना दे रहे हैं वो अब ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से अपने को एनालिसिस स्टार्ट करना है बॉस अब द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट

Attributing to printing of 1000 set of study material of revised certification courses 2 lakh, of which 1 lakh 20 is committed in nature, hence can't be avoided. to iska matlab relevant kitna hua ओ भाई समझे क्या question? बोलो क्या बोल रहे हैं? भाई total 2 lakh का fixed cost है, उसमें से 1 lakh 20 thousand तो already committed है, मतलब बचा कितना आपका? 80 thousand बचा?

सेल कर रहे है, तो वो exempt है। so, अगर आप वो चीज एक्समट है ये तो आपको पता ही होगा आई डी टी एक्सपर्ट कंसिडरिंग रजिस्ट्रेशन साइन द रिक्वायरमेंट टू प्रिंट वन थाउजेंड सेट and send the same for approval. In the meantime, government came up with notification uh, that grant and aid to CLI will be dispensed. ये सब time pass चीज है. Is concerned with the cost efficiency. और वो लोग बोल रहे हैं कि and consider printing is neither a value generating nor a strategic activity. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यार ये printing printing अपने को in house क्यों करना है यार? भाई ये जो है ना breakup of cost. ब्रेकअप ऑफ इन हाउस प्रिंटिंग ऑफ मटीरियल तो यहां पर जो चेयरपर्सन है वो बोल रहे कि क्यों इन हाउस कराना है नहीं तो उससे अच्छा है तो उसको आउटसोर्स कर देता है ना भाई इनहा काम करना चाहिए जिससे वैल्यू एड होता है बात सही है बहुत बहुत बहुत, बहुत। वैल्यूएल पॉइंट बोला है चेयरपर्सन ने हेल्स ऑन ऑफिस ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर यू टेंडर साइन बाय चेयरमैन एडवर्टाइज़ फॉर ई टेंडर अगर हमको इसको आउटसोर्स करना है तो कौन ये टेंडर लेने को रेडी है Council, chairman, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई क्वालिटी दे पाएगा क्या वो तुम्हारा जिसको तुम आउटसोर्स कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल रख पाएगा इतना इंपॉर्टेंट डेटा तो अपन उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे ना गुरुमूर्ति जी दैट बाई प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल द क्वालिटी शुड बी ऑफ दिस लेवल We can sign a contract mr Vyas, another member also argues that cost of in-house printing will come down due to learning curve but outsource supplier will keep on charging the same price so a cost benefit analysis karna chairperson mentioned that recent days that there is something about a gain sharing arrangement

अगेंस्ट द टेंडर हाँ यूट्यूब पे मैं ये gain sharing arrangement के मेरे एक्सप्लेनेशन का भी लिंक शेयर कर दूंगा तो वो भी देख लेगा ओके है टेलीग्राम चैनल पे सॉरी हा अगेंस्ट द टेंडर an outsourcing proposal from जनता प्रेस is also received, in which they offer to print 1000 set of, at a total cost of 14.5 फोर्टीन

उंड फॉर क्वालिटी थे ना गुरुमूर्ति जी बोले थे क्या तो बॉस जनता प्रेस जिसको आउटसोर्सर है क्वालिटी में बहुत चैंपियन है जनता प्रेस इज ऑल्सो अवॉर्डेड बाई लोकल गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज फॉर यूजिंग हंड्रेड परसेंट रिसाइकल्ड पेपर क्या बात है क्या बात है सो आई थिंक आर रियली वेरी गुड पीपल जनता सेट बट क्या अपने को वो चीज फाइनेंशियली परेक अ डिसीजन अब मैं आप लोग को पूरा इसका एक जिस्ट बता देता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे ठीक है सीन क्या चल रहा है यहाँ पे एनालिसिस यह वाले शीट में ही मैं यहाँ पे एड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन रिलेटिंग टू गेन शेयरिंग अरेन्जमेंट और यहाँ पे है सी एल आई अब ये लोग के पास दो ऑप्शन है या तो ये लोग इन हाउस बनाए या ये लोग आउटसोर्स कर दे अगर इन हाउस बनाते हैं तो इनको डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा बोलो बोलो टेलटेल फाइव टेल। 560 डायरेक्ट लेबर 265 सिक्सटी फाइव 725 ओवर सो देखो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लगेगा 560 डायरेक्ट लेबर 265 ठीक है

मल्टीप्लाई बाय अपना जो ये बात चालू है फ्लो में पूरा ये सम्व करवा रहा हूं आप लोग के पास भी टाइम कम है राइट right. सो so आपको भी क्विकली चाहिए कि सोल्व हो जाए दैट्स वॉट आई एम डूइंग सो इन टू वन थाउजेंड सेट इन टू वन थाउजेंड सेट तो मेरा यहाँ पे खर्चा आ जाता है रुपीज पंद्रह लाख पचास हजार प्लस फिक्स्ड कॉस्ट एट्टी थाउजेंड तो मेरा कॉस्ट टोटल आ जाता है रुपीज सिक्सटीन लाख थर्टी थाउजेंड अगर मैं इन हाउस बनाता हूं बट अगर मैं इसी को आउटसोर्स कर देता हूं तो जनता वाला कितना ले रहा है वो बोलता है फोर्टीन फिफ्टी थाउजेंड जनता वाला क्या बोल रहा है रुपीज फोर्टीन लैक फिफ्टी थाउजेंड प्लस वो क्या बोल रहा है प्लस 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 रॉयल्टी भी तो लगेगा यहाँ पे रॉयल्टी तो ऐड ही नहीं किया भाई देखो कुछ भी हो जाए इसमें क्या बोला है ये देखो क्या बोला है रॉयल्टीज आर टू बी पेड बाय सीएलआई टू ऑथर्स अगर जनता प्रेस से ले रहे तो भी जनता प्रेस तो खाली प्रिंटिंग कर रहा है ऑथर का काम तो ऑथर करने ही वाला है इनाउंस करो आउटसोर्स करो कुछ भी करो है So, यहां पे अपन लोग बोलते हैं रॉयल्टी रुपीज टू लैख तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है रुपीज सिक्सटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओ जनता इज जस्ट मोर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाय ट्वेंटी थाउजेंड एंड अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द दे रिक्वायरमेंट देखोगे Evaluate the outsourcing proposal from Janta Press and advise the governing body whether the same shall be accepted or not. ये मैंने आप लोगों को पूरा explain कर दिया है flow में। इसका proper अगर आप लोगों को answer चाहिए तो ये आप लोगों के पास में share कर रहा हूँ। Right? So we will say by 20,000 से जनता ज़्यादा है। अभी clear guys? समझ में आया? कोई doubt हो? कमेंट्स पे आप डाल देना आई विप्लाईट और समझ में आया तो भी कमेंट पे डाल देना भाई कि भाई आप खुद से कर पाए थे कि नहीं हम्म हम्म चल डन और सो हाउस में ट्वेंटी थाउजेंड चीप पड़ रहा है दो तीन मिस्टेक जो यहाँ पे हो सकता है आप लोग से फर्स्ट इज दिस रॉयल्टी टू द ऑथर दो लाख ये मिस हो सकता है या तो इधर इंक्लूड ही मत करो बट अगर इंक्लूड कर रहे हो यहां पे, यहाँ पे भी इंक्लूड करो या तो दोनों जगह पे 200 200 हटा दो वही हटा कॉस्ट करके हट जाएगा तो भी चलेगा इंक्लूड किया तो भी चलेगा 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट यू विल बीटेड टू टेक टू लाख बट याद रखना 2 लाख रेलिवेंट नहीं है रेलेवेंट खाली एट्टी थाउजेंड है समझिये चलो सो so इसी के साथ मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेकेंड दो पार्ट जो है दे आर मेनली थ्योरी बेस्ड आओ देखते हैं क्या है वो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंसिडरिंग द फैक्ट केस स्टडी एंड आर्ग्यूमेंट रेज बाय द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी आइडेंटिफाई टू हाईलाइट एंड इवेल्युएट नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर एंड अगेंस्ट मतलब बेसिकली वो बोल रहा है बेसिकली वो बोल रहा है नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस एलाउज कंपनीज टू फोकस ऑन वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ए एफ एम का मेरा बुक बना रहा हूं तो एएफएम के कंटेंट के ऊपर मैं काम करूं और उस पे टाइम दू दैट इज वैलिड बट उसके प्रिंटिंग के ऊपर भी मैं भागू फिर प्रिंटिंग बराबर हुआ है कि नहीं वो सब के ऊपर जाऊँ तो मेरे लिए तो वो कोई वैल्यू एडिशन एक्टिविटी नहीं कंटेंट पे मेरा वैल्यू एडिशन है अब अगर मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूं तो कहना मेरा एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी मैं आउटसोर्स कर रहा हूं और अब वो उसका टेंशन है वो अच्छी तरह से जो तो उसको क्वालिटी बोला है वो करके देगा सो अलाउस कंपनीज टू फोकस ऑन वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज तो आउटसोर्स कर दो ताकि अपन अपना जो जेन्युन वाला काम है वो कर दूसरा ये केस में जो आउटसोर्सर है वो रिसाइकल्ड पेपर यूज करता है एंड एज पर ट्रिपल बॉटम लाइन राइट ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग थर्ड है एक्सपीरियंस है ट्वेंटी का एक्सपीरियंस है भाई साहब तो अच्छा खासा रेप्यूटेशन है so का अपने को टेंशन नहीं यहां पे रहेगा अब इसका ही सोल्यूशन RTP में वो लोग ने डिटेल में दिया हुआ है अपने को एग्जाम में ये लिख कर आना है वो तुम लोग के लिए मैंने रेडी रखा है राइट right? चलो अच्छा लगा डेफिनेटली क्लिक अ लाइक चलो डन बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्या डिसएडवांटेजेस है अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो भाई हम लोग को बुक्स टाइम पे पहुंचाना होता है स्टूडेंट्स को अगर ये जनता प्रेस वाला ट्वेंटी इयर्स एक्सपीरियंस मतलब इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे तो अगर ये डिले कर दिया तो डिलीवरी में सो दैट कैन बी बिग इश्यू टू मी सो रिला एडवांटेज इन हाउस स्टाफ का क्या करूं मैं वो लोग रिट्रेंज कर दू लेफ कर दू और मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी बचेगा उसका मैं क्या करूं so, वो दो डिस एडवांटेजेस आर वेरी हाई नॉन मॉनिटरी मॉनिटरीवाइज ट्वेंटी थाउजेंड का ही फर्क है विच आई थिंक सो इज मेरी मेरे, so, मेरे हिसाब से उनको आउटसोर्स कर देना चाहिए and the third part of the question is third part of the question is advise the governing body why do gsa fails and what can cli do to make gain sharing work effectively so a jao bhai gain sharing ka matlab kya hota hai again i am telling you main share kar raha hu aap log ke sath please उसको use कर लेना वो video देख लेना तो gain sharing arrangement को detail में explain किया है मैंने फॉर नाउ गिविंग इक्विटी पार्टिसिपेशन टू सप्लायर एंड इन टर्न सप्लायर क्या करता है इनोवेटिव आइडियाज एंड कॉस्ट सेविंग देता है विन विन सिचुएशन हो गया दोनों पार्टी के लिए और उसके लिए हम लोग उसको दे रहे हैं इक्विटी पार्टिसिपेशन मेरे को क्या फायदा हुआ इनोवेटिव आइडियाज मिला मेरे को क्या फायदा हुआ कॉस्ट सेविंग हो गया उसको क्या फायदा हुआ ये देने का इक्विटी में शेयर मिला तो उसको पैसा मिल गया बट क्यू जी फेल जाता है एंड उसका चेक पॉइंट क्या है तो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इफ दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर आपको आपके सप्लायर के ऊपर देन इट इज गोइंग टू फेल मिजरेबली वो हो ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो आपका जो आउटसोर्सर है जैसे आप लोगों ने देखा अपना जो आउटसोर्सर है ही इज वेरी एक्सपीरियंस एंड रेप्यूटेड सो वी कैन गो एड दूसरा ड्राफ्ट अ विन सिचुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए खाली मेरा ही फायदा फायदा हो रहा है इट शुड बैलेंस्ड विन विन सिचुएशन कोई भी, भी uh, you know, अच्छी तरह से दो करवाना है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप भी उसको आइडियाज दे सकते हैं इनोवेशन के लिए एंड जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट शुड बी स्पेसिफिक एंड आपको जो निगोसिएशन करना है